आज मैं बात करना चाहता हूँ दो नए हेड आइटम्स के बारे में जो दिसंबर में लॉन्च हुए थे। तो एक हेड आइटम है रेजोनेंट गार्ड एंड दूसरा है चार्जिंग चार्म। तो इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उन दोनों हेड आइटम्स को आप कहाँ अनलॉक कर सकते हैं या कहाँ परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक शॉपिंग कार्ट का सिंबल दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करने के बाद ऑरेंज कलर के इस मार्क पर क्लिक करें। एम्पोरियन करके लिखा है, उस पर एंटर दबाने के बाद यहाँ हेड आइटम के अंडर आपको यहाँ ऊपर ही दिख जाएंगे, क्योंकि आपने अनलॉक नहीं किया है तो ऊपर ही दिख जाएंगे, वरना इफ़ यू अनलॉक डिट आपको नीचे मिल जाएंगे। एक यहाँ पे है चार्जिंग चार्म एंड दूसरा यहाँ पे रेजोनेंट गार्ड। अभी रेजोनेंट गार्ड के बारे में बताना चाहूँगा। फर्स्टली रेजोनेंट गार्ड एक हेल्ड आइटम है। इसका स्टेटस आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लेवल 10 पर आपको एचपी शील्ड मिलेगा आपको 150 का आपको एचपी शील्ड मिलेगा एंड एचपी रिकवरी +5 होगा। एंड लेवल 20 पे आपको 300 का एचपी शील्ड मिलेगा एंड 12 पॉइंट्स की आपको हेल्थ रिकवरी मिलेगी। और लेवल 30 पर आपको 450 का आपको एचपी शील्ड मिलेगा एंड 18 का प्लस एचपी ऐड होगा आपको। इसका रेजोनेंट गार्ड का ये स्टैट्स लेवल है एंड रेजोनेंट गार्ड ये हेल्ड आइटम आपकी पोकेमोन को शील्ड देता है एंड आपके एलाई पोकेमोन यानी आपके टीममेट्स को भी शील्ड देता है। एंड उसके बाद एस रैंक टीयर्स में आता है रेजोनेंट गार्ड। एंड फोर्थली इसका कूल डाउन टाइम 10 सेकेंड्स तक है। एक एक बार एनिमी अटैक से आपको बचा लेगा, 300 का हो या 450 का हो अकॉर्डिंग टू द लेवल्स, एंड देन 10 सेकेंड्स के लिए वो कूल डाउन पर चला जाएगा। एंड फिफ्थली बेस्ट सूटेड पोकेमॉन्स इसके लिए हैं सपोर्टर्स हो गए या डिफेंडर हो गए, उन पे बहुत ज़्यादा सूट करेगा ये हेड आइटम। यानी उसका एनी हो एचपी ही ये करेगा, शील्ड करेगा सो दैट दे कैन डिफेंड बेटर, डिफेंड अच्छे डिफेंड कर पाए। तो इट विल बेस्ट सूट दोज पोकेमोन्स। इफ़ यू आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो डू लाइक सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई ऑल्सो डू लाइव स्ट्रीम करता हूँ मैं इसी चैनल पे। तो बेल आइकन दबाओगे तो विल गेट नोटिफिकेशन नेवर आई एम लाइव, आप भी ज्वाइन हो सकते हो पोकेमोन यूनाइट में। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट चार्जिंग चार्म के बारे में बात करेंगे। फर्स्टली उस स्टेटस के बारे में बात करेंगे। तो लेवल 10 पे आपको अटैक +5 मिलेगा एंड मूवमेंट स्पीड आपको 40+ मूवमेंट स्पीड मिलेगी लेवल 10 पे ही। लेवल 20 पर आपको अटैक 10 पॉइंट्स अटैक ज्यादा मिलेगा और मूवमेंट स्पीड 80 मूवमेंट स्पीड मिलेगा आपको। लेवल 30 पे आपको अटैक 15+ और मूवमेंट स्पीड 120 मिलेगा। हेड आइटम इक्विप करने के बाद और जब तुम्हारा पोकेमॉन अटैक करेगा 9 चार्जेस पर हिट, एक हिट लगने के बाद 9 पॉइंट्स चार्ज होगा हेड आइटम एंड एक बार मूव होने पर एक चार्ज पॉइंट चार्ज होगा। टोटल 100 पॉइंट्स होते हैं इस हेड आइटम में। 100 पॉइंट के आने के बाद इट विल गेट चार्ज, 100 तक पूरा चार्ज हो जाएगा। बाद में नेक्स्ट बेसिक अटैक हो या कुछ कौन सा भी अटैक हो गया उसके साथ डिप्लॉय हो जाता है, मतलब काम कर जाता है, देन फिर से रिसेट हो जाता है। ऐसे ही कूल डाउन टाइम इसका चार्जिंग टाइम ही कूल डाउन टाइम है, ऐसा सच कूल डाउन टाइम नहीं है। बट डिपेंडिंग अपॉन योर पोकेमॉन हाउ कितना ज़्यादा मूव करता है तुम्हारा पोकेमॉन या कितना ज़्यादा अटैक कर सकता है, किस मतलब जल्दी जल्दी अटैक कर सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये बेस्ट ये टीयर लिस्ट कौन सा टीयर लिस्ट में आएगा, ये टीयरेस्ट में आता है चार्जिंग चार्म। एंड कूल डाउन टाइम उसका वही है, चार्ज होने में टाइम लेता है, उसका कूल डाउन टाइम भी वही है। कौन से पोकेमॉन में बेस्ट सूट करेगा, ये स्पीडस्टर और अटैकर्स पे बहुत जल्दी अच्छा सूट होता है क्योंकि वो ज़्यादा मूव करते हैं, मूव करने पर जल्दी चार्ज होता है एंड उनको एडिशनल अटैक पॉइंट्स भी मिलते हैं उस पर एंड मूवमेंट स्पीड भी मिलता है। अटैकर्स को एंड स्पीडस्टर्स को वही चाहिए क्योंकि उनका हेल्थ बहुत कम होता है, उस सिचुएशन से उनको बाहर भी जल्दी आना, तो वो मूवमेंट स्पीड उनको वो थोड़ा बूस्ट देता है ताकि इनकेस वो वहाँ से एस्केप हो पाए। तो ये सी इस सारे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको अभी भी थोड़ा थोड़ा डाउट है ये वेबसाइट जाके चेक कर रहे हैं कन्फर्म योर डाउट्स, एंड फिर भी कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ डू कमेंट, आई एम डेफिनेटली हियर। मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। नो इश्यूज, पीस आउट।